थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे कि पता नहीं जो है वो ये हमारा सही डिसीजन है या नहीं है। आर यू रेडी? ओके, आज मेरे अबू की बरसी है। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो है हम जा रहे हैं बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए। बस थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे कि पता नहीं जो है वो ये हमारा सही डिसीजन है या नहीं है। तो बस थोड़ा सा जो है ना मुझे अजीब सा हो रहा है कि पता नहीं बच्चे वहाँ एडजस्ट कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। लेकिन ज़ाहिर है माँ बाप तो अच्छा ही चाहते हैं बच्चों के लिए कि जो हो उनके अच्छे के लिए हो, बेहतरी हो उनमें, और अल्लाह करे कि जो है ना जिस स्कूल में भी एडमिशन कराएं उनका उनके लिए जो है वो अच्छा साबित हो, खुश रहे वहाँ पर, अच्छी पढ़ाई करें। तो बस थोड़ा सा जो मुझे डर लग रहा है, तो आज खैर उनको लेके जाएंगे, बच्चों को उनका टेस्ट वगैरह होगा। तो बस अभी उठे थे, अभी नाश्ता भी करना है, तो मैं सोची थी अभी पहले कपड़े इस्त्री कर लूँ उसके बाद नाश्ता करती हूँ, फिर बच्चों को भी रेडी करना है। तो बस जो है ना अभी जाते हैं कपड़े इस्त्री करते हैं। आज मैं सोच रही हूँ ये वाले कपड़े पहन लूँ, ये वाले बच्चों के कपड़े हो गए हैं इस्त्री और बस अब अपने करती हूँ इस्त्री। आर यू हैप्पी? क्या आपका नए स्कूल में एडमिशन हो रहा है? शर्म क्यों आ रही है, दिखाओ मुझे। हाँ बताओ, बता दिए क्या? बताया आपने तो कुछ बताया ही नहीं। हैप्पी नाश्ता आ गया, अब मैं करती हूँ नाश्ता। नाश्ता करने के बाद फिर होते हैं रेडी। चलो भाई हम रेडी हो गए हैं, बच्चे गाड़ी में बैठ गए हैं, दिल भी, तो बस अब हम चलते हैं। तो 7 नंबर भी जा रही है क्योंकि हमारा जो है ना वो प्लान बना है अम्मी के घर जाने का, क्योंकि ना आज मेरे अबू की बरसी है। तो हमारा प्लान बना है अम्मी की तरफ जाने का, वहाँ से दिन का काम था, हमने कहा चलो हमें वहाँ छोड़ देना। तो बस अब चलते हैं। एक्साइटेड हो? चलो भाई पहुँच गए, अब हम जाते हैं अंदर। रोशनी है तो आपको क्या अंधेरे में रहने की आदत होगी? रोशनी है ना। चलें जी, आप भी रेडी हैं? अभी अभी उठा था तो। आर यू रेडी? ओके लेट्स गो। इधर आ जाओ बेबी। इधर बैठ जाओ जावी, इस पे बैठ जाओ। बैठ जाओ आप उस पे, बैठ जाओ उन वाले पे। लो। मैं ले लो। आप नहीं बैठ सकते नहीं। वो बड़ी वाली पे बैठ जाओ, येलो वाली पे। हाँ किचन है खाओ। चलो ये ब्लू वाली पे बैठ जाओ, आप पीछे बैठ जाओ, जेवी आगे बैठ जाएगा। इधर किचन है। कोई बात नहीं बैठ जाओ। कीड़े हैं, कीड़े हैं, चलो छोड़ दो, आ जाओ मच्छर ना काट जाए। कमा स्टेयर्स, स्टेयर्स वो उस साइड से भी आती है, उधर सामने से भी है और इधर से भी आती है, बिल्कुल कॉर्नर में। नहीं चढ़ा सकते? चलो आ जाओ फिर, नहीं चढ़ा सकते। वो ये गेट खुलता है ना उसका। चलो आ जाओ, ये पकड़ लो अपने बॉल। अच्छा जी हम मम्मी के घर पहुंच गए हैं और बच्चों का एडमिशन भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, दोनों का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो गया और एडमिशन भी हो गया फाइनली। तो अल्लाह करे कि अच्छा हो, बेहतर हो हमारे लिए भी, बच्चों के लिए भी, बच्चे एडजस्ट हो जाए। ज़्यादा मसला जो है ना मुझे अरशमान का है, क्योंकि ज़ाहिर है वो जावेद तो अभी फर्स्ट टाइम ही स्कूल जाएगा ना, उसका तो ये फर्स्ट स्कूल होगा। लेकिन अरशमान जो है वो शिफ्ट होगा तो उसको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके फ्रेंड्स वगैरह दूसरे स्कूल में हैं, तो इस वजह से ना उसको ज़रा थोड़ी मुश्किल होगी स्टार्ट में। लेकिन टीचर
बहुत अच्छी है यहाँ की भी ना, तो खैर कह रही थी कि हो जाएगा इंशाल्लाह एडजस्ट। मैंने उससे पूछा था, खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, परेशान नहीं है। तो बस हमें यही टेंशन थी कि ये परेशान ना हो अर्शमान ना, लेकिन खैर खुश है। तो अब हम जो है वो अम्मी के घर आए हैं, और मैंने आपको बताया था कि आज मेरे अबू की बरसी है, और मेरी अबू की बरसी जो है वो 24वीं बरसी है। 24 साल हो गए मेरे अबू की डेथ हुए हुए। मैं छोटी सी होती थी, 6-7 साल की थी मैं जब मेरे अबू की डेथ हुई थी। तो उनको जो है वो हेपेटाइटिस सी था, जिस वजह से तब जो है वो उसका इलाज नहीं होता था, तो इसलिए जो है मेरे अबू की डेथ होगी हुई थी। तो हम जो है वो 4 बहनें हैं, आपको मैंने बताया था पहले भी, तो हम 4 बहनें और मेरी अम्मी हैं। तो बस अभी हम अम्मी की तरफ आए हैं, अम्मी ने खाना शाना बनाया हुआ था, दरूद वगैरह दिलवाएंगे बस घर में ही हम जो है वो मिल के ना दरूद वगैरह दिलवा देंगे। पहले हम ख़त्म वगैरह पूरा करते होते थे, लेकिन अब जो है वो इस तरह बड़ा ख़त्म नहीं करते, बस घर में ही जो है हम ख़त्म दिला देते हैं, दरूद वगैरह दिला देते हैं। वो वैसे भी मेरी अम्मी जो है वो दिलवाती रहती हैं जब भी कुछ अच्छा बनाती हैं या कुछ भी ना। तो अभी हम खाना खाएँगे तो साथ दरूद भी दिलवाएँगे, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो बच्चे उधर खेल रहे हैं, तो ये जो है अम्मी ने खाना बनाया हुआ है आज। अम्मी ने सेवियाँ भी बनाई हैं, फ्रूट चाट है, ये चिकन वाला सालन भी बनाया हुआ है, साथ में रोटियाँ, शरबत वगैरह, सैलेड बॉटल। तो बस अभी जो है वो हम दूध दिलवाते हैं। बच्चों आपके मैंने नूडल्स बना दिए हैं और खाओ। पीछे कितना टीवी का शोर डाला हुआ है आप लोगों ने। मैं आपको खिलाऊंगी, शक्ल पहले बनाने लग जाते हो। बस जी हम घर आ गए, दूध वगैरह दिलवाया था, फिर खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर हम थोड़ी देर बैठे, गपशप लगाई, और बस फिर इसके बाद जो है वो बच्चों के साथ कुछ टाइम तो गुजर जाता है उनके मसले पूरे करने में। तो बस फिर उसके बाद हम घर आ गए। अभी हम घर आए हैं 11 बजे, दिल आ गए थे, दिल काम से गए हुए थे कहीं, फिर वो आए, फिर अभी हमने रात का खाना खाया, बस फिर घर आ गए। तो बच्चे जो है वो अपने अपने कमरे में सोने चले गए। जावेद कह रहे हैं मैंने नीचे मम्मी के पास सोना है, वो अंबर को जो है वो मम्मी कहता है तो उसके पास सोएगा आज। आज उसका इरादा जो है ना उधर था, बच्चों का दिल ही नहीं था वापस आने का, कहते हैं हमें नानों के घर रहना है। तो मैंने कहा इंशाल्लाह फिर जाएंगे रहने के लिए ना, तो अभी तो घर चलते हैं, क्योंकि सामान तो मैं लेके नहीं गई हुई थी, बस ऐसे ही थोड़ी देर के लिए गए थे। तो चलें जी, बस ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप सबको पसंद आई होगी। और बस दुआ करें कि बच्चों का जो है वो दिल लग जाए, बच्चों के लिए दुआ करें, उनकी स्टडीज़ के लिए दुआ कीजिएगा, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, बच्चों को भी, फैमिली को भी मेरे, और मेरी अब्बू के लिए भी दुआ कर दीजिएगा, क्योंकि आज उनकी बरसी थी, 10 अगस्त को बरसी होती है। तो शायद ये व्लॉग तो लेट जाएगा आप लोगों की तरफ, लेकिन खैर उनकी बरसी जो है वो 10 अगस्त को होती है। तो बस ये था जी मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। तो बस इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।